ऑलराइट गाइस, देखो मैंने कहा था मैं एक स्पेशल आदमी से मिलाने वाला हूँ जिसने इस जो सेशन रहा 10 दिन का, शाहरुख खान से तो आप मिल ही चुके हो। एक सर और हैं हमारे वेक्टर कंसल्टिंग के साहब, मिलिए जित्तू सर से। सर कुछ बोलिए अपने बारे में। सब सबका मंगल हो। अच्छा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस 10 दिन का? बढ़िया रहा। बड़ी शॉर्ट में बात कर रहे हैं। काफी बढ़िया रहा। शाहरुख खान तेरा कैसा रहा? भवतु सब मंगल। भवतु सब मंगलम। सब मंगल, सब मंगल। भाई कहाँ गया? भाई बाजो, आ जाओ यार। उनका वो बना सकता। भाई अपने मुखर्जी नगर से हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और एक चीज हमने देखी है कि विपासना में यूपीएससी वाले बहुत लोग आते हैं। ये तो इसका नाम विपासना वाले यूपीएससी रख देना चाहिए। उसमें क्या है कि थोड़ा सा, क्योंकि लगता है शायद निकलता हो उपासना, वो भी अच्छा आइडिया है। तो ऑलराइट गाइस, अभी शाम का टाइम चल रहा है एंड हो सकता है कि मैं रात का सेशन भी, एक जो यहाँ रात में लाइट वाइट जलती है जैसा भी रहता है, मैं उसका भी आपके ऊपर दिखाऊंगा। और क्योंकि कल सुबह निकलना है 6:30 पे हम लोगों को, तो उस हिसाब से अपन काम करेंगे। फिलहाल 6 बजे हम लोग जा रहे हैं मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन के बाद फिर हम लोगों का डिस्कोर्स रहेगा। डिस्कोर्स के बाद मॉर्निंग 6:30 पे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अभी रात में यहाँ किस तरीके से धमाहौल दिखता है, लाइट्स वगैरह किस तरीके से रहती है, मैं थोड़ा सा एक वीडियो नोट वहाँ डाल दूंगा और उसमें शायद आपको दिखेगा कि रात में थोड़ा और बेहतरीन हो जाता है। ओके, टिल देन वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला तो कमेंट करें, और तब तक के लिए जय राम जी की। ऑलराइट गाइस, रात हो गई है, रात के 9 बज रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी आएगी, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि चीज़ें अच्छी दिखाई दें, और मैं एक बार कंप्लीट यहाँ का टूर सिंपल सा रात के टाइम पे एक बार आपको दिखा देता हूँ कि रात में कैसा लगता है। ये मेरा ब्लॉक डी, और फिर हम यहाँ से चलते हैं बाहर की तरफ। ओ, ये कुछ ऐसा नजारा है। अच्छा, ये डरावनी आवाज जो आ रही है पीछे से, भेड़िया वगैरह ऐसा टाइप की, डरिएगा नहीं उससे। एक तो ये इस तरफ एंड पे है हम लोग, और मैं अभी इधर से वापस की तरफ दिखाता हूँ आपको टुवर्ड्स धम्मा हॉल, और तुम्हारा जो मेन एरिया है वहाँ की तरफ चक्कर पे। नाम बता दे भाई। प्रशांत। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? अच्छा, आकाश। ओके, नहीं नहीं ठीक है। ओके, तो अपन चले आगे की तरफ। अच्छा, मैं शायद पहले बात बोल चुका हूँ कि नहीं बोल चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा और दोहराता हूँ, विपासना एक बार जरूर आइए। उसके बारे में जो डिटेल क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में दूंगा जरूर, लेकिन आइए जरूर एक बार, टाइम निकालिए। और छुट्टी मत जाइए, अगर छुट्टी हो रही है तो 10 दिन की कहीं पे, तो उसकी जगह पे यहाँ आ जाइए। ये एक रीसेट पॉइंट की तरह है तो लाइफ में, तो कुछ भी लग रहा है कि यार लाइफ में मजा नहीं आ रहा है, लाइफ बोरिंग सी लग रही है, या फिर बहुत ज्यादा ही आपको इश्यूज हो गए हैं,
टीचर की बात नहीं कर रहा तो आप यहाँ जरूर आइए। मन में इतना ज्यादा थॉट्स भर जाते हैं, इतनी सारी चीजें इसमें हो जाती हैं कि मन भारी हो जाता है। मन की प्योरिटी के लिए, मन की शांति के लिए आप इस तरह कर सकते हैं। वो सेक्शन जो सामने दिख रहा है वो एंट्री गेट का है, जो मैं शायद दिन वाली वीडियो में दिखा चुका हूँ आपको, ठीक है। और जो उधर लाइट जल रही है सामने वाली, वो जो है किचन वाला सेक्शन था, ठीक है। और अपन अब चलते हैं ना, ये सब लड़के इस तरफ से है, कर सकते हैं, दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जिस तरीके से है, एक चीज है, अगर आप यहाँ आते हैं तो मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ आपको कि जैसा आप आए हैं और जैसे आप जाएंगे उसमें तो जमीन आसमान का फर्क होगा, बशर्ते आप सेशन कंप्लीट करें। कंप्लीट, मैं सीरियसली कंप्लीट की बात कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि दो दिन किया, पांच दिन किया और भागने स्टार्ट कर दिया। वो एक स्टेज है, वो आएगी, सबके संग आती है, मेरे संग भी आई है, और लगेगा आपको कि मैं निकलूँ यहाँ से, लेकिन ध्यान रखिएगा उसको निकलना नहीं है, हम लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। वो एक एक्सपीरियंस है और वो ऐसा एक्सपीरियंस है, आप कहोगे कि आपने कुछ अच्छे काम किए हैं इसीलिए आपको अपॉर्चुनिटी मिली, और आई मीन इट, मैं सही बोल रहा हूँ। आप एक बार आएंगे तो ये देखिए, आपका जब सामने जो पगोड़ा सेल्स हैं वो इस तरीके से रात में दिखते हैं। थोड़ा सा और नज़दीक ले चलते हैं, और यहाँ से देखिए, मैंने जिनमें आपको दिखाया था, ये रात में कुछ इस तरीके से दिखता है अपना ग्रुप मेडिटेशन हॉल का सेक्शन। चलो थोड़ा सा आगे चल के मैं दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके से, और अगर हम अगर पीछे हो जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आता है। और वो जो घर, उस तरफ लाइट दिख रही है सामने, वो असिस्टेंट टीचर का रूम बोल सकते हैं, चैम्बर बोल लीजिए, घर बोल लीजिए, चैम्बर नहीं है, घर ही है उनका। घर मतलब यहाँ उनके रहने की व्यवस्था है,